के बेटे की पार्टी छोड़ने के बयान की, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो लोग दूसरे दलों की गोद में खेलकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेटर फेसबुक में मैंने देखा, वो मानिश सुखदेव राजभर साहब डायलिसिस पे हैं, उनका डायलिसिस होता है, ऐसी परिस्थिति में ये खबर वायरल हो रही है। मैं इसका खंडन करता हूँ कि आज कुछ स्वार्थी किस्म के राजभर समाज के नेता जो अपना व्यक्तिगत हित साधना चाहते हैं, वो विरोधी दलों के गोद में जाके बैठे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि राजभर समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती और मुस्तैदी से जुड़ा है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने धरना दे रहे किसानों को लेकर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही साथ उन्होंने किसान नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक देशभक्त यही कर सकता है। लाल किले पर यदि तिरंगा अपमान हो रहा है, तिरंगा उतारकर फेंक दिया, एक दूसरा झंडा लगा दिया, तो बहुत गलत है। कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं है, पहले देश है। और तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे के लिए हमारी सेना के जवान अपनी जान दे देते हैं, रात दिन सीमा पर डटे हुए हैं, उसका अपमान ये लोग कर दें, ये असहनीय है। इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सारे ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, ये देश तोड़क हैं, उनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा लेकर प्रत्येक कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे किसान, ऐसा कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को भी घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ में भी चारों तरफ बैठ जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर विरोध किया गया तो उसका खामियाजा चुनाव में बहिष्कार से भुगतना पड़ेगा। हम अपनी यात्रा 5 तारीख से निकाल लेंगे, उसका कहां-कहां का रूट रहेगा और सभी किसान उसको निकालना शुरू करेंगे, उसका रूट हम बनाएंगे, हम भी निकाल लेंगे। हमारी 15 तारीख तक चलेगी, वो बताएंगे। 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें पूरा डिक्लेरेशन उसका करेंगे, कहाँ कहाँ से उसके रूट रहेंगे पूरे उसमें निकलेगा। और ये तो है कि हम 15 अगस्त में मुख्यालय पे हम अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे लगा के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब खबर एटा से, जहां जलेसर तहसील मुख्यालय में उप जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह के घर के बाहर एक महिला धरने पर बैठी है। वो अपने गांव में घर के सामने सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की गुहार लगा रही है। उप जिला अधिकारी पर भी उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वो महिला जिसके घर के सामने अतिक्रमण हो रहा है और उसको हटवाने की गुहार जिलाधिकारी से उसने लगाई है। उप जिलाधिकारी के घर के बाहर उसने धरना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटवाने की पीड़ित महिला गुहार लगा रही है। उसका आरोप है कि घर के बाहर किसी ने अतिक्रमण किया है, उसको जल्द हटवाया जाए। और बड़ी खबर लखनऊ से है। एटीएससी स्क्वाड टीम ने, कमांडो ने पूरी एडवेंचर ट्रेनिंग कर ली है। देहरादून में आयोजित किया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। स्क्वाड कमांडो को पैराग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी गई, रॉक क्लाइंबिंग, सामरिक ट्रैकिंग जैसे विषयों पर भी इन्हें ट्रेन किया गया है। कमांडो को एरियल सर्विलांस के अंतर्गत यूएवी की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। और चलिए अब बुंदेलखंड की खबरों को देख लेते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। जालौन में बिना नक्शा पास मकानों पर प्रशासन का हट्टा चला है। 2006 के बाद बने नक्शा पास कराए गए मकानों को प्रशासन ने नोटिस थमाया और उसका डोर टू डोर अभियान भी चलाया जा रहा है। हमीरपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 2 दाल मिलों में छापेमारी करते हुए 55 लाख रुपए की मटर और मटर दाल को सील किया। इसके साथ ही इनकी सैंपलिंग कर जांच के लिए भेज दी। बांदा में डीएम और एसपी ने मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी बैरकों में जाकर व्यवस्था देखी। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि जेल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। महोबा में कलयुगी मां की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहां पर सड़क किनारे पेड़ के नीचे नवजात शिशु को छोड़कर मां मौके से फरार हो गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने पहल की और पुलिस को बुलाया।
झांसी में मालगाड़ी की कंप्लेंट टूटने से मालगाड़ी दो हिस्सों में बट गई। इस दौरान अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन मालगाड़ी आमने सामने आ गई, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ललितपुर में अचानक टपरे में आग लगने से दो मवेशियों की जलकर मौत हो गई, वहीं कुछ मवेशी आग में झुलस गए। आपको बता दें कि टपरे में भूसा रखा हुआ है और वहां पर मवेशियों को बांधा गया था। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पीलीभीत से हमें मिल रही है, जहां विधायक की ओर से आयोजित नवनिर्वाचित प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। यहां एक बैंकट हॉल में कार्यक्रम था और बिना मास्क के लोग बैठे थे। आप सोचिए अगर इसमें से किसी एक को भी कोरोना के लक्षण हुए तो आगे क्या होगा। हॉल भरा हुआ है लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। आज पूरनपुर स्थित एक हॉल में प्रधानों का क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो सम्मान समारोह रखा है, उसमें प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कुछ को सदस्यता भी दिलाई है। आप देखिए कि लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं और बिना मास्क लगाए इकट्ठा हुए हैं। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आज लॉकडाउन के दिन उन लोगों को कैसे परमिशन दे दी गई प्रशासन ने। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ तक निष्पक्ष है। और कानपुर में एक नामी रेस्टोरेंट वीकेंड लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद रेस्टोरेंट खुला है, यहां पर ग्राहकों की बैकडोर से एंट्री हो रही है और अब रेस्टोरेंट के अंदर का वीडियो वायरल हो गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार रेस्टोरेंट ऐसा कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी ये रेस्टोरेंट नियम तोड़ चुका है और इस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन लगातार इस तरीके की हरकतें यहाँ पर जारी हैं। लॉकडाउन के बावजूद रेस्टोरेंट ओपन रहा, कार्रवाई की गई, बैकडोर से लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और अब बात नोएडा की करते हैं, जहां सेक्टर 58 में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। आपको बता दें घायल बदमाशों ने बीते 27 जुलाई को सेक्टर 55 स्थित आरएसएस पदाधिकारी के घर से लूट की घटना को अंजाम दिया और तभी से पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। कहीं अपने कुछ ज्वेलरी कुछ सामान शिफ्ट करने के चक्कर में उस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया, इनकी घेराबंदी की गई है अभी कुछ देर पहले, और ये 2 बाइक पे थे, दोनों बाइक पे 2-2 बदमाश थे। हम लोगों ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की। हम लोग जहाँ पे भी खड़े हैं यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ से इनको घेरा था। घेरने के बाद इन लोगों ने जब देखा कि चारों तरफ से घिर गए, इन लोगों ने हमारी टीम से अटैक किया। हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लगभग 5-6 राउंड गोलियाँ चली यहाँ, जिसमें वो जो 4 बदमाश थे उसमें से 3 घायल हो गए और 1 बदमाश यहाँ से एक बाइक लेके फरार हो गया। सूखे बुंदेलखंड में लोगों की प्यास बुझाने के लिए जालौन में नमामि गंगे के तहत लगभग 1400 करोड़ की लागत से पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं और इसी पेयजल योजना की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए नमामि गंगे के विशेष सचिव ने जाकर परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और जल्द परियोजना को पूरा करने की बात कही। विशेष सचिव अच्छे लाल सिंह ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि जिन जिलों में पानी की समस्या ज़्यादा है वहाँ पर लोगों को पेयजल परियोजना का लाभ मिल पाए। गाय का काम शुरू हो गया है और ये वाटर सोर्स है जहाँ से हमारा इंटेक वेल बनेगा और इस तरह की कुल 3 और परियोजना, तो 4 हमारी सरफेस की परियोजना है, कुल 1350 करोड़ की ये ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना है जिसमें कुल हमारे 522 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें कुल 853 रेवेन्यू विलेजेस को आच्छादित किया जाएगा। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहाँ एक शहीद का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से जिले में पहुंचा और पार्थिव शरीर की अगवानी SDM सदर CO समेत पुलिस बल ने की। हालांकि परिजनों ने पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर दी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए हादसे का सैनिक रितेश अंतु शिकार हो गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद शहीद हुए सैनिक के परिवार ने शव तो नहीं लिया, आर्थिक सहायता की मांग सरकार से की, लेकिन SDM CO ने पार्थिव शरीर की अगवानी की। ससम्मान शहीद के शव को जिले में लाया गया। और चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं।
मुरादाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों का पर्यटन टूर शुरू हो चुका है। अमरोहा में एक अपराधी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी की 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क किया गया। इसके बारे में पुष्टि एसपी ने की। शाहजहांपुर में गिरफ्तार हुए 15 डकैतों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अब इन पर गैंगस्टर लगा दिया है, जिसके बाद अब इन सभी डकैतों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। संभल में मामूली बात पर एक दबंग ने तंदूर संचालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल अब पुलिस आरोपी दबंग की तलाश कर रही है। पीलीभीत में पुलिस ने महिला से हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही लूट का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आपको बता दें, पीड़ित महिला पैरा कमांडो की पत्नी है। सहारनपुर में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से कई जगहों से लूटे गए 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। गाजियाबाद में 12 साल की छात्रा ने अपने पिता से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। पुलिस ने इस रंगदारी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्रा ने परिवार का व्हाट्सएप हैक करके ऐसा किया था। ग्रेटर नोएडा में कुछ देर की बरसात ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रशासन की पोल खोल दी। यहां पर डीएम कार्यालय पानी में डूब कर तालाब में तब्दील हो गया। पीड़ित भी अधिकारियों के दफ्तर जाने के लिए पानी से होकर ही गुजर रहे। मुजफ्फरनगर में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। यहां बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। कई सड़कें लबालब हैं। चलने के लिए अब ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। शामली में एक सप्ताह से किसानों की करीब 200 बीघा मुंजी की फसलों में पानी भरा है, जिस कारण किसानों की लाखों रुपए की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और अब किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर मौसम का क्या हाल है आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया है। यहाँ पर कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आज और कल यानी 2 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और वो जिले कौन से हैं? खासतौर पर पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए, और किन जिलों में खासतौर पर तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश की आशंका कहां पर है, उन जिलों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, इन सभी जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश का सिलसिला फिलहाल रुकने वाला नहीं है, इसी तरह झमाझम बारिश होती रहेगी। 2 अगस्त यानी कल का दिन भी इसी तरह भारी बारिश होती रहेगी उत्तराखंड के तमाम जिलों में। सात जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़कोट से। नितिन, बताइए बड़कोट में मौसम कैसा है और तेज बारिश जो बीते कई दिनों से चल रही है, उसके बाद वहां हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए आज तक जिस तरीके से अभी पिछले दिनों से अगर हम देखें तो पिछले एक सप्ताह से लगातार यमुना घाटी से निकले और ऊंचाई के जो इलाके हैं लगातार यहाँ पे बारिश हुई है। और अभी अगर हम मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जो है जारी किया हुआ है। सॉरी, माफ कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अगले 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो ऑरेंज अलर्ट है वो उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल, तो आप बता रहे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तेज बारिश वहां पर हो रही है, और कौन से जिले हैं जिनमें आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती है बारिश की वजह से, उनका अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। नितिन, तेज बारिश की वजह से क्या वहां से भी कुछ लैंडस्लाइड या हादसों की खबरें आ रही? देखिए आज तक जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले सप्ताहों की अगर बात करें, वो नेशनल हाईवे हो या फिर लिंक मार्ग हो या फिर पशुपालकों के जो गौशालाएं हैं
या फिर मकानों में दरार है, लगभग एबीपी गंदगी का मार्केट को दर्शकों को दिखाई है, किस तरीके से जो इस बार की जो आपदा है, वास्तव में इस बार का जो बरसात या फिर मानसून कह सकते हैं कि इस बार की जो मानसून है कितनी तबाही मचाई है। और हमने तो अभी 3 दिन पहले ही यमुना घाटी की अलग अलग जो तस्वीरें थी उसमें कस्तूरबा गांधी में पानी भराव की स्थिति हो या फिर जूनियर हाई स्कूल के कमरों के अंदर से पानी निकलने की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से दिखाए। राष्ट्रीय राजमार्गों में कहीं पेड़ गिर जा रहे हैं तो कहीं जो भारी भरकम मलबा है वो सड़कों पर आ जा रहा था, तो ऐसी तमाम तस्वीरें थी जो इस मानसून में हमने देखी। और जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी कि जो उत्तराखंड के 4 ऐसे जिले हैं जहां येलो अलर्ट जो है जारी किया हुआ है, इसके अतिरिक्त बिल्कुल तो प्रशासनिक तैयारियां हैं और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर डाबरानी पुल के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिर गया। हालांकि डाबरानी में किसी तरह से जनमाल का नुकसान नहीं हुआ है, पहाड़ी से ये मलबा गिरा। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें आई हैं सामने, पहाड़ी से मलबा गिरा, एनटीपीसी की परियोजना के समय बनी दीवार और मैदान पर अटक गया। आपको बता दें कि भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने मनेरा रोड बाईपास पर आवाजाही रुकवा दी। और सामने मेरी बाइक है वहां पे जब टूटा है, वो इधर आएंगे, पत्थर पक्का कंफर्म है इधर आएंगे, भागो बहुत टूट गया। ओह माय गॉड, उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे का पुल है, अबे इधर आ, पीछे पीछे भरी बड़ी मात्रा में मलबा गिरा है। भागो भागे भागे। मैं जब मौके पर पहुंचा यहाँ पे तो 2:28 पे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है, होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है जो पुल है ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था, उस दौरान मैंने जो मोबाइल में है जो उसको कवर किया है, जब भूस्खलन हुआ तो वीडियो बनाया मैंने। और कहीं ना कहीं पे एक टीम है जो शासन को ऊपर भेजनी चाहिए जहाँ से ये भूस्खलन हुआ, क्योंकि आने वाले समय में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जो ये पुल है इसके लिए जो खतरा बना हुआ है ऊपर से जहाँ से भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे शासन से आग्रह है कि एक टीम है जो ऊपर भेजी जाए जहाँ से ये भूस्खलन हो रहा है, और ताकि कि आगामी के लिए लोगों को जो सुरक्षित कर पाए। अगली खबर का रुख करते हैं। नैनीताल घूमने आई एक पर्यटक महिला ने बिना मास्क पकड़े जाने के बाद देखिए क्या किया। तल्लीताल पुलिस चौकी में ही हंगामा काट दिया। महिला ने अपनी गलती स्वीकारे बिना उल्टा पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। चेकिंग के दौरान महिला को पुलिस ने पकड़ा था, महिला का चालान पुलिस ने काटा था, लेकिन अपनी गलती स्वीकारने के बजाय ये उल्टा पुलिस पर ही बरस पड़ी। तबीयत खराब है, आपने नहीं लगा फलाने आए लोग यहाँ। टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 30 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट बांटे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा उत्तराखंड को देवभूमि के साथ देवियों की भूमि भी कहा जाए। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान काशी सिंह एरी ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी राज्य के मुद्दों के लिए संघर्ष करता रहा है। उत्तरकाशी में 4,668 अभ्यर्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया, जिसमें 1,410 लाभार्थियों को शनिवार को स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2 अगस्त से उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से स्कूलों के लिए अलग से SOP जारी की गई, तो वहीं स्कूल प्रबंधन भी स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुट गए। गैरसैंण चमोली में 32 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस और एसटीएफ ने मुख्य आरोपी कैलाश नेगी को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 13 घंटे बाद खुल गया। पांडुकेश्वर और लामबगड़ में भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया था, अब इस मलबे को साफ किया गया।
उत्तरकाशी में दुचाड़ू और किराड़ू गांव के लोग उफनाते नाले में पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। 2019 में मोटर पुल यहां बह गया था, जिसके बाद से अब तक ये पुल नहीं बन पाया। कोटद्वार में शहर की सड़कों पर कूड़ा डालने वालों के खिलाफ जल्दी चालान प्रक्रिया शुरू होगी। कोटद्वार पहुंचे अपर आयुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को पॉलीथिन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।